नुपुर शर्मा को सिर धड़ से जुदा करने की धमकी देने वाले अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती की बेशर्मी भरी तस्वीर राजस्थान पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। दरअसल डीएसपी आरोपी को बचाने की तरकीब उसे बकायदा बचा रहे हैं कि क्या तुम्हें बोलना है तो तुम बच जाओगे, और क्या इसीलिए पुलिस शिकंजे में भी सलमान मुस्कुरा रहा है, थम्सअप साइन दिखा रहा है कुछ पूछने पर। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हिरासत में हंसी, थम्सअप दिखा रहा चिश्ती, जिसके चेहरे पर खौफ होनी चाहिए वो हिरासत में भी मुस्कुरा रहा है। जिसे अपना चेहरा दिखाने में शर्मानी चाहिए वो पुलिस की गाड़ी में भी बैठकर थम्सअप का साइन दिखा रहा है। सवाल ये है कि क्या ये मेहमान नवाजी है या फिर राजस्थान पुलिस की मेहरबानी जो नुपुर का सिर धड़ से जुदा करने वाले की खिदमत में जुटी हुई है। यकीन ना हो तो एक बार फिर इस तस्वीर को जरा गौर से देख लीजिए, फिर आपको राजस्थान पुलिस की उस शर्मनाक तस्वीर से रूबरू कराएंगे जिसकी सजा डीसीपी को मिल चुकी है। अब आप इस तस्वीर और सलमान की कान में फुसफुसाते अजमेर के डीएसपी को सुनिए, कैसे एक डीएसपी उस अपराधी को बचने की तरकीब सुझा रहा है जिसने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, जिसने अपने नफरती बोल से समाज को बांटने की कोशिश की है। सुना आपने गहलोत के पुलिस की गुंडों के साथ गठजोड़ की, एबीसीडी नफरती खंजर से सामाजिक ताने बाने को लहूलुहान करने वाले सलमान चिश्ती पर शिकंजा कसने के बजाय राजस्थान की पुलिस उस खाकी को ही दागदार करने में जुटी है जिस पर लोगों के भरोसे की नींव टिकी होती है। और यही वजह है कि सलमान जिस अंदाज में ये हरकत कर रहा है उससे साफ है कि आज भी उसके इरादे कातिलाना और खौफनाक है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान पुलिस की कार्रवाई पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस सलमान के उस मोबाइल फोन को बरामद नहीं कर पाई जिससे उसने नुपुर को धमकी दी थी। जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा who will ever like, give me that. मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रोस्टर भी निकल जाऊंगा, ये वादा करता सलमान खाजा कर इतना गुलाम। आज भी ये फोन चल रहा है, कोई उसे ऑपरेट कर रहा है, इसीलिए पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद ये माना जा रहा था कि अजमेर पुलिस खादिम सलमान की तबीयत से खिदमत करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे में अजमेर पुलिस की भूमिका पर सवाल तो उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।